Attention! Look on the board. Today our topic is types of electromagnetic induction. पिछले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, बहुत आसान भी है. सिर्फ दो बात तो याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस होने वाला EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो किसी भी क्वाइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो EMF इंड्यूस होगा. किसी भी क्वाइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में जब जब चेंजिंग होगा EMF इंड्यूस होगा. आप इससे पिछला जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट उस चैप्टर में देख रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से करंट पास करने पर वो मैग्नेट बन जाता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनने जनरेट हो जाते हैं. तो जैसे देखिए यहाँ पे क्वाइल है, इससे अगर हम करंट पास करें, एक ही क्वाइल है और उसे स्विच ऑन कर दें करंट पास हो, तो जैसे ही करंट पास होगा आप जानते हो ये मैग्नेट बन जाएगा. तो मैग्नेट जैसे ही बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. तो इस क्वाइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिससे एक EMF अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. जैसे करंट अगर इधर से जा रहा है तो EMF ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में. आप देख रहे थे ये प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई बाई डी टी. तो माइनस साइन क्या था, अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता था. निगेटिव साइन डिनोट्स अपोजिट डायरेक्शन. तो जैसे ही इस क्वाइल से हम लोग करंट पास करेंगे ये मैग्नेट बनेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होगा, मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा. और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब वैसे कंडीशंस में आप जानते हो क्वाइल से EMF रिड्यूस होने लगता है. इस EMF का डायरेक्शन, ये जो करंट है इसके डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होता है, वो इसको आगे बढ़ने से रोकता है. जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ उसी को क्या कर रहा है, वो धक्का दे रहा है, उसी को वो रोक रहा है, उसी को वो रोक रहा है ना. ये कुछ लोगों का खराब नेचर होता है ना, जो भलाई करे उसी के पीछे पड़ा रहता है, जो माँ बाप सब कुछ किया बुढ़ापे में उसी को रोकता है, बाहर कर देता है, उसी का अपोज करता है, उसी के वो निगेटिव साइन है. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जैसे ही क्वाइल से हम करंट पास करेंगे वैसे ही एक EMF इंड्यूस होगा जो इस करंट को ही आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है. अगर आपने देखा होगा ट्यूब लाइट कहीं लगाओ और बल्ब लगाओ, दोनों को ऑन कीजिए तो ट्यूब लाइट देखिए थोड़ा देर के बाद जलता है. पहले वो जलता बुझता है एक दो बार, फिर उसके बाद वो जल पाता है. रीजन क्या है कि हर एक ट्यूब लाइट के साथ चौक क्वाइल लगे रहते हैं. क्या लगे रहते हैं, चौक क्वाइल है ना, चल कुंडली. जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में इसमें सेंटर एग्जाम में भी था वो क्वेश्चन, वो आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. तो चौक क्वाइल में कुछ होता नहीं, बस एक तो क्या होता है, क्वाइल होता है. क्या होता है, सिंपल एक क्वाइल होता है जो लिमिटेड आयरन कोर के ऊपर लपेटा होता है. तो इसमें क्या होगा कि किसी भी क्वाइल से जैसे ही करंट पास किया जाएगा वैसे ही ये मैग्नेट बनेगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा. और आप जानते हो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा EMF इंड्यूस होगा. इसी फिनोमेनन का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लेकिन ये सेल्फ करंट के कारण, किसी क्वाइल में अपने ही करंट के कारण क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है, इसी का नाम है सेल्फ इंडक्शन. तो डिफाइन करेंगे द फिनोमेनन ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन अ क्वाइल ड्यू टू सेल्फ करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. The phenomenon of EMF induced in a coil due to self current is called self induction. In self induction, when I current passes through
to the coil, then magnetic flux produced, मान लो क्या मानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को phi b and EMF induced जो हो रहा है वो मान लिया जाए इज E, तब क्या होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा. Phi B is directly proportional to the I. I means electric current के ये directly proportional होता है. तो यहाँ पे हम लोग एक constant L लाते हैं, capital L. एक बहुत important L है यहाँ पे, constant है. इसका नाम होता है where L is constant. जिसका नाम है विच इज कॉल्ड इंडक्टेंस. इसका नाम इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस या कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. दो नाम है इसका, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिर्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं. सिर्फ क्या बोल सकते हैं, इंडक्टेंस बोल सकते हैं. अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ पे आए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ईएमआई. कल आपने पढ़ा था ई बराबर माइनस आई, यहाँ पे बी लगा देंगे, गुणे एन था, गुणे क्या था, यहाँ पे हम n बराबर मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न एक मान, एक क्वाइल की बात करें, एक टर्न में क्या हो रहा है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, हियर n बराबर 1. तो हम लोग d phi d का जो मान निकाला l इंटू आई वो पुट किया जाए. तो यहाँ पे l कांस्टेंट होने के कारण वो बाहर हो गया और करंट में परिवर्तन हो रहा है डी आई. एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्शन में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और काफी आसानी से मिल गया. नहीं सिर्फ दो तीन चार लाइन का कैलकुलेशन, कितना चार लाइन का कैलकुलेशन है. पहले लिखेंगे फाइव बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, कांस्टेंट एल आई, एल का नाम पड़ गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस के नाम से ज्यादा लोग जानता है इसको, इंडक्टेंस के नाम से लोग इसको ज्यादा जानते हैं. और फिर फैराडेज लॉ लगाया माइनस डी फाइव बाई डी टी एक टर्न के लिए, एन क्या होता था नंबर ऑफ टर्न, अगर ये एक हो ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, और फाइव बी के जगह पे ये मान पुट किया, एल कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया. इस तरह से सेल्फ इंडक्शन में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला है ई बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी. अब यहाँ एल जो है खुद एक इंपॉर्टेंट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडक्टेंस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज इंडक्टेंस क्या है या व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको डिफाइन करने भी पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है. हिंदी में कहते हैं स्वतः प्रेरण गुणांक, स्वतः प्रेरण गुणांक कहते हैं. इसका क्या परिभाषा होगा, इसका परिभाषा देखिए यहां से निकालिए, यहां से L का क्या फॉर्मूला आएगा, L का फॉर्मूला phi b by I, और यहां से L का क्या फॉर्मूला आएगा माइनस E by dI by dt. तो ये वाला ज्यादा बोलते हैं लोग, व्हाट इज E, इज द EMF induced, और dI by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. इसका डेफिनेशन होता है द निगेटिव रेशियो, द निगेटिव रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट किसमें इन आवर कॉइल इज कॉल्ड इंडक्टेंस इट इज नोटेड बाय एल नोटेड बाय एल एल का फॉर्मूला क्या देखा एल का क्या फॉर्मूला होगा माइनस ई बाई आई बाई जी बेटा इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है कौन सा डिफिनेशन यहाँ से बोलो क्या डिफिनेशन कहेंगे यहाँ से खुद डिफिनेशन बनाना सीखिए रटना मत सीखिए कभी ने भूलिएगा डिफिनेशन निकालना है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू क्वायर इज कॉल्ड इंडक्टेंस इट इज नोटेड बाय एल तो लिख ही चुके हैं इसका दूसरा मामला हो गया 5B/I इसका यूनिट क्या होगा जी SI यूनिट ऑफ L इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है इससे निकालो क्या निकलता है वेबर पर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर वेबर पर एम्पियर वेबर पर एम्पियर लेकिन इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं कैपिटल H मतलब क्या हुआ कैपिटल एच का वेबर आया ये कैपिटल एच मतलब हामिद सर ठीक है कैपिटल एच मतलब हामिद सर एक्चुअल में हेनरी है याद रखने के लिए बोल दिया कभी भूलोगे नहीं एग्जाम में सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर साल और वहाँ लोग हामिद सर को याद करता है एग्जाम में तुम लोग भी याद करेगा इस बार इसका यूनिट क्या होगा कैपिटल एच इसको क्या बोलेंगे वेबर पर एम्पियर भी बोलेंगे वेबर पर एम्पियर देखो इस बार में हमने मैग्नेटिज्म का टेस्ट लिया था एक क्वेश्चन में सब फंस गया था क्या था तुम लोग कदम गया है जो क्वेश्चन नहीं बना पूछे कुछ नहीं एक क्वेश्चन था उसमें एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो सब खाली क्या मारा एम्पियर मीटर स्क्वायर जबकि बोथ वाला आंसर होगा जूल पर टेस्ला भी उसका होता है जूल पर टेस्ला भी होता है और एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है इतना इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं बड़ा खुश है ऑब्जेक्टिव होगा तुम ऑब्जेक्टिव होता तो टेस्ट तैयारी कर लो यार बड़ी खुश होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव और टेस्ट दे देंगे आप क्या कोई टेस्ट नहीं देना कसम खाली है आप लोग दोनों होगा जूल पर टेस्ला भी होगा और वो कहां से निकला जूल पर टेस्ला तर्क के फॉर्म में निकला टर्क का फॉर्मूला क्या होता है एम बी साइन थीटा उससे एम निकालते हैं टर्क का हो गया जूल और बी का हो गया टेस्ला तो जूल पर टेस्ला भी हुआ और एम्पेयर मीटर स्क्वायर भी हुआ बहुत सही उत्तर होगा इसका सही किया इसका डायमेंशन निकालिए इसका डायमेंशन हेलो रथ खराब है एम एल स्क्वायर बी इनवर्स टू आई इनवर्स टू आप निकाल के देखिए यही डायमेंशन आएगा ठीक है।